कि हम में अल्लाह के फजल से आईक्यू लेवल में अगर पूरी दुनिया का आप मॉडल देखें तो पाकिस्तानियों का जो आईक्यू लेवल है वो दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज नेशंस में से एक है। कि पंजाब जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल करता है, जिसको गिनीज डिक्लेयर करती है कि आप जैसे बच्चे और बच्चियां मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल करते हैं। आज पाकिस्तानियों को एक चीज अपने जेहन में बिठा लेनी है कि हम में अल्लाह के फजल से आईक्यू लेवल में अगर पूरी दुनिया का आप मॉडल देखें तो पाकिस्तानियों का जो आईक्यू लेवल है वो दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज नेशंस में से एक है। ये और बात है कि नेगेटिव साइड के ऊपर जो है इसकी प्रोपगेशन ज़्यादा होती है, लेकिन आप बच्चों को और बच्चियों को अगर प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और हुकूमतों का काम ही प्लेटफॉर्म मुहैया करना है, हुकूमतों का काम मेरिट की बुनियाद पर आगे आने का मौका देना है। आई वॉज यूथ मिनिस्टर बैक इन 2013 and 18 एंड आई वॉज ऑल्सो स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ पंजाब। तो मैंने उस वक्त जो हमने और कुछ नहीं किया था, हमने बच्चे और बच्चियों को कहा कि डेयर टू ड्रीम, हम एक स्लोगन लेकर आए थे कि आपके जो ख्यालात हैं, आपके जो ख्वाब हैं वो आप हमारे सामने रखें और जो फिजिबल हैं, जो प्रैक्टिकल हैं, हम आपको एक प्लेटफॉर्म देंगे। और उसका रिजल्ट क्या निकला कि पंजाब जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल करता है, जिसको गिनीज डिक्लेयर करती है कि आप जैसे बच्चे और बच्चियां 60 लाख से ज़्यादा बच्चे और बच्चियां मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल करते हैं। उसके अंदर जो स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं, 2013 से ऑनवर्ड पाकिस्तान की कोई भी टीम उठा के देख लें, चाहे वो लड़कियों की हॉकी की टीम थी, चाहे वो लड़कों और लड़कियों की कबड्डी की टीम थी, वॉलीबॉल की टीम थी। इंसिडेंटली कल जो गुजर गया है, पाकिस्तान की वॉलीबॉल की टीम ने, क्योंकि हॉकी तो हाईलाइट हो गया, पाकिस्तान की वॉलीबॉल टीम ने 6 नेशंस का कप जीता है और वो भी अनबीटेबल रहे। और उसकी भी रीज़न क्या थी कि उनको भी हम मेरिट की बुनियाद पर हमने उनको मौका दिया।